जय श्री बालाजी। आप सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कैसा होगा वर्ष 2024 तुला राशि वालों के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो आपके जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं बजरंग बाबा, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सब पीरा में। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव और आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। इस वर्ष में किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के लिए भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश रहेंगे। इस वर्ष विदेश जाने की संभावनाएं कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजनाएं बनते बनते रह जाएं, लेकिन निराश न हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और परिवार जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। आपके प्रेम संबंधों की इस वर्ष शुरुआत से ही अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाले बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को, दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल में जगह बनाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहाँ से आपके सप्तम भाव, द्वितीय भाव को भी देखेंगे, जिससे परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साहजनक प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बनेंगे। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय भी आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और इसी का प्रभाव होगा कि वर्ष के अंतिम महीनों में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु को छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे भाव में, बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, जो आपकी उम्मीदों से अच्छी ही होगी, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके बाद साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने का विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितने की आपने उम्मीद की थी। उसके बाद का समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं धन और लाभ के बारे में। तुला राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध और शुक्र विराजमान होकर आपको आर्थिक उन्नति का प्रदान करेंगे और शनि देव को पंचम भाव में बैठकर आपको सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखते हुए वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया आपको प्रदान करेंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव, पंचम भाव और द्वितीय भाव पर होने से आपको अच्छे ढंग से धन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे करा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रतन अथवा ओपल रतन धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना, दो मुखी
झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना आपके लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।